हेलो फ्रेंड्स, पुनः एक बार स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज हम विशेष जानने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय। इसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारा जो पिछला वीडियो है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि राष्ट्रीय आय के बारे में सारे बेसिक्स हमने उस वीडियो में बता दिए थे। आज हम राष्ट्रीय आय की जो प्रमुख चार अवधारणाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, इसलिए पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा स्पेशली फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है कॉमर्स और साथ में इकोनॉमिक्स का, और RAS का जो मेंस है उसमें भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज की जरूर गारंटी देना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप निश्चित ही राष्ट्रीय आय में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे। इसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल को इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमें पता चल सके कि आपको कितना अच्छा ये वीडियो लग रहा है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की ओर। राष्ट्रीय आय की चार प्रमुख अवधारणाएं हैं GDP, NDP, GNP और NNP। अब आपको यहां पे एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, GDP जब हम कहते हैं तो GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब यहां कुछ चीजें आपको समझनी होगी क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस, जब हम कहते हैं ग्रॉस का मतलब सब कुछ, सकल सारी बात कर रहे हैं हम, केवल अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, सभी की बात चल रही है यहां पे। और जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक, अगर मैं मेरी बात करूं डोमेस्टिक तो मेरा घर बराबर है, अगर मैं देश की डोमेस्टिक बात करूं तो संपूर्ण देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वाली बात चल रही है। घरेलू यानी घर में रहने वाले समस्त लोग, यानी पूरे देश की जनसंख्या, सारी आबादी को हम इसके अंदर गिन रहे हैं, यानी समूचे देश में रहने वाले लोगों द्वारा जो भी कोई उत्पादन किया जा रहा है, जो भी कुछ, उन सब का मूल्य हम इसमें जोड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, यहां आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है जिसको हम यहां कह रहे हैं उत्पाद, लेकिन आप अगर समझने की भाषा में इसे समझना है तो आप इसे आय समझिए, यानी समूचे देश में रहने वाले लोगों द्वारा देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में जो भी कोई अंतिम वस्तुएं हैं, या एक शब्द ध्यान में रखना, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यहां ध्यान में रखना, हम एक शब्द कह रहे हैं अंतिम वस्तुएं एवं मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक यानी उसके ऊपर प्रिंटेड जो भी कुछ होगा वह मौद्रिक मूल्य होगा। और दूसरा हमने कहा अंतिम वस्तुएं, एक चीज आप ध्यान में रखना, अंतिम वस्तुएं और अंतरिम वस्तुएं, इन दोनों में क्या फर्क होगा मैं आपको बताऊं। आप बिस्लेरी की बॉटल खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर 20 रुपए लिखे हुए हैं। जब हम कभी हमारे देश की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हम उस बिस्लेरी की बॉटल के ऊपर अंकित 20 रुपए को जोड़ेंगे, टोटल कितनी बॉटलें बनी उसको उससे गुणा कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि बिस्लेरी की बॉटल कुल अपने देश में कितनी उत्पादित हुई थी और उनका मूल्य कितना था। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, बिस्लेरी की बॉटल के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, एक बॉटल कहीं दूसरी जगह बनी होगी, बराबर है, और पानी। अगर हम इसमें, यहां गड़बड़ कहां हो सकती है, अगर हम उस बॉटल किसी फैक्ट्री में बनी है, बॉटल मान के चलिए 20 रुपए का पूरा प्रोडक्ट है और बॉटल 5 रुपए की बनी होगी, तो हम तो 5 रुपए तो पहले जोड़ लेंगे और बाद में 20 रुपए भी जोड़ लेंगे तो हम 25 रुपए जोड़ देंगे। इससे हमारा गणित गलत हो सकता है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम बिस्लेरी बॉटल की बात करेंगे तो यह अंतिम वस्तु कहलाएगी। इसमें दो मध्यवर्ती चीजें हैं, दो, एक तो पानी की बॉटल, खाली बॉटल, और पानी, इन दोनों का मूल्य जोड़ने के बाद यह अंतिम वस्तु बन जाएगी। इसके लिए हम मध्य में जो आने वाली वस्तु है उन सब की गणना नहीं कर रहे हैं, हम केवल अंतिम वस्तुओं की गणना कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब है कि एक निश्चित अवधि में हमारे देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त
अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक यानी उसके ऊपर जो प्राइस होगी एमआरपी, वो ही हम काउंट करने वाले हैं। उस मौद्रिक मूल्य को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह देश की जीडीपी कहलाती है। और एक चीज ध्यान में रखना, हम जब कभी देश की विकास के बारे में बात करते हैं, जब एक देश को दूसरे देश के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब हम हमेशा जीडीपी को ही मानते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, जीडीपी को ही मानते हैं। और जीडीपी जिस देश की हाई है, अच्छी है, उसको हम प्रगत राष्ट्र मानते हैं। बराबर है? अब आपको इन नेशनल इनकम को जानने के लिए दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक तो है फैक्टर कॉस्ट, बराबर है, और एक होती है एमपी यानी मार्केट प्राइस। ये दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और यूपीएससी की परीक्षाओं में। और विशेष मैं आपको बता दूं, 2011, 13 और 15 फर्स्ट ग्रेड के आप पेपर उठा के देख लेना, राजस्थान में जो भी परीक्षा हुई है, या हाल ही में जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी का पेपर हुआ, उसके ऊपर भी इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कि राष्ट्रीय आय निम्न में से क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए पहले आप यह समझ लेवे कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस एमपी क्या है। इन दोनों का अंतर अगर आपको पता चल गया तो आप जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनके सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से और लाइफ टाइम भूलोगे नहीं आप इसे। हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट का मतलब सीधा सा क्या है, हमने यहां पे लिखा है। देखो, अलग अलग किताबों में आपको लागत कीमत भी मिलेगा और लागत मूल्य भी मिलेगा। यानी कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा जिस किसी मूल्य पर उत्पादित होती है, फैक्ट्री पे बन जाती है, फैक्ट्री के दरवाजे पे जिस कीमत पे बन जाती है, वह उसका फैक्टर कॉस्ट है। अब एक चीज ध्यान में रखना, उत्पादन के साधन 1, 2, 3, 4, जिंदगी में अगर इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम पढ़ना है, इन्हें भूलना नहीं है। क्या है? सबसे पहले भूमि, जिसे हम कहते हैं लैंड, सबसे पहले जरूरी होती है। श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल, और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों की कीमत अगर आप जोड़ देते हैं तो वह उस सेवा या वस्तु की फैक्टर कॉस्ट यानी लागत कीमत या लागत मूल्य बन जाता है। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये मोबाइल फोन है मेरे पास, सही है? इस मोबाइल फोन की लागत कीमत हमें निकालनी है। अब लागत, इस मोबाइल फोन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है? अब सर्वप्रथम आप ध्यान में रखना, अगर मुझे यह मोबाइल फोन बनाना है तो किसी ना किसी जगह पर बनाना होगा, बराबर है? और टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहेंगे, फैक्ट्री। कहीं ना कहीं से फैक्ट्री में बनेगा ये फोन, सही है? तो इस फोन को बनाने के लिए एक तो हमें कोई जगह क्रय करनी पड़ेगी, नहीं तो किराए पर लेनी पड़ेगी, लीज पर लेनी पड़ेगी। तो मान के चलिए यह मोबाइल जो है, इसके लिए मुझे जमीन किराए पर लेनी पड़ी, जिसका मूल्य है 2000 रुपए, ठीक है? मैं मान के चलता हूं 2000 रुपए की हमें जमीन मिल गई। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है? अब क्या केवल भूमि खरीदने से मेरा मोबाइल बन जाएगा? संभव नहीं है। तो मुझे मोबाइल बनाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, बराबर है? तो लेबर को मुझे लाना होगा, उनको भुगतान करना होगा, तब जाके मेरा मोबाइल बनेगा। तो मैंने इसके अंदर जोड़ दिए कितने, 2000 रुपीज और जोड़ दिए। देखना, भूलना मत, फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। भूमि, सर्वप्रथम हमें लैंड लेना है, उसका किराया देना है या खरीदना है, कुछ भी करना है, तो 2000 रुपए तो उसमें लग गए। श्रम के लिए 2000 रुपए लगा दिए। अब केवल भूमि खरीदने से और लेबर लाने से मोबाइल बन जाएगा? संभव नहीं है। मुझे क्या करना होगा, इस मोबाइल को बनाने के लिए पूंजी, कैपिटल लगाना पड़ेगा, तब तो इसका रॉ मटेरियल आएगा कहीं ना कहीं से। तो मैं क्या करूंगा, अपनी जेब की पूंजी या पूंजी की लागत, कहीं से मैं लोन लूंगा तो लोन के ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सारा पूंजी की लागत में आने वाला है। इसके लिए भूमि, श्रम, पूंजी और सबसे आखिरी में उद्यमिता। मैं मेरा दिमाग लगा रहा हूं, मैं मेरा समय इसके ऊपर दे रहा हूं, इसका मुझे कुछ ना कुछ तो भुगतान मिलना चाहिए, मेरा लाभ तो कुछ ना मिलना चाहिए। इसके
इसके लिए मैं अपने खुद का समय इसके साथ जोड़ रहा हूं, यानी 2000 2000 2000 और 2000, इसकी लागत कितनी हुई है? 8000 रुपए। लेकिन क्या आपको यह मोबाइल बाजार में 8000 रुपए में मिलेगा? संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके फैक्ट्री के बाहर यह मोबाइल निकलेगा, सरकार इसके ऊपर कुछ चीजें जोड़ देगी, और वो जब जोड़ती है सरकार, ध्यान में रखना, क्या जोड़ती है? इनडायरेक्ट टैक्स। बराबर है, जो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं, मान के चलिए सरकार ने इसके ऊपर 2000 रुपए का टैक्स जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। तो और सरकार ने कह दिया कि इसके ऊपर हमने 1000 रुपए की सब्सिडी दे दी, सरकार स्कीम निकाल सकती है। सरकार ने इनकम टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया है 2000 रुपए का कर, और 1000 रुपए की फोन के ऊपर सब्सिडी दे दी गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है आपको? 8 2 10 और उसमें से 1000 गए, तो यह हो गए 9000। इस कीमत पर हमें वह मोबाइल मार्केट में मिलेगा। समझ में आ गया, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों का फर्क, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बहुत बार पूछा जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट वह लागत है जिसके ऊपर कोई भी वस्तु उस फैक्ट्री में बनती है, तो यह लागत मूल्य कहलाएगा, सही है। और वह कीमत जिसके ऊपर बाजार में वस्तु उपलब्ध होती है, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी बाजार की कीमत, जिस कीमत पर हमें वस्तु बाजार में उपलब्ध होती है, तो यह हो गई मार्केट प्राइस। और हमेशा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इसमें एफसी जोड़ा जाएगा, एमपी ये क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन पहले आपको इन सब के बारे में जानना होगा कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है और एनएनपी क्या है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से, ध्यान में रखना दोस्तों, अब मौद्रिक मूल्य की बात चल रही है, तो मौद्रिक मूल्य को अगर हम काउंट कर लेंगे तो वह उस देश की जीडीपी कहलाएगी। आपको ध्यान में आ गया है, हम बात कर रहे थे यहां पे जीडीपी। तो जीडीपी दो तरीके से काउंट की जाती है, एक तो होती है स्थिर मूल्य, ध्यान में रखना जीडीपी कहां कहां काउंट की जाती है, एक तो स्थिर मूल्य, इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो मित्रों हम जान रहे हैं जीडीपी गणना कैसे करते हैं, जीडीपी को हम कैसे किस तरीके से गिनते हैं, तो आपको मैं बता दूं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जीडीपी की गणना स्थिर मूल्यों पर भी की जाती है एवं चालू मूल्यों पर भी की जाती है, और इसके ऊपर एक सवाल हमेशा बनता है, और वो सवाल है कि जीडीपी का आधार वर्ष क्या है। तो आप सब जने याद रखना, स्थिर मूल्य यानी जो हिलता नहीं है, यानी जीडीपी का जो स्थिर मूल्य है उसका आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है, ठीक है, और चालू मूल्यों के ऊपर वर्तमान में जो भी कोई फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम जान रहे हैं जीडीपी का जो फॉर्मूला है, या ध्यान में रखना जीडीपी दो तरीके से निकलती है, एक तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले हम जान रहे हैं, इसके ऊपर सीधे सीधे सवाल आते हैं सीधे, कि जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या है निम्न में से, तो आपको ढूंढना है, आपको यह मिलेगा। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निम्न में से क्या है, यह आपको मिलेगा। तो आप जरूर देखते रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम जान रहे हैं जीडीपी के बारे में, इसके पिछले वीडियो में हम जान चुके थे कि राष्ट्रीय आय का बेसिक्स क्या है, अगले वीडियो में हम और भी एनडीपी के बारे में जानेंगे, फिर जीएनपी के बारे में जानेंगे और एनएनपी के बारे में भी जानने वाले बड़ी रोच
रोचक जानकारी आपको मिलेगी। एग्जाम ओरिएंटेड आरएस की परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा अगर आपको पास करनी है तो श्योर शॉट इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जरूर देखते रहें, शेयर भी जरूर करना ना भूले। देखिए हम बात कर रहे हैं जीडीपी मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या जोड़ दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें से हमने क्या निकाल दिया है, इसमें से हमने निकाल दिया है आपके सब्सिडी। तो जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। देख लो, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला था, इस मोबाइल की फैक्टर कॉस्ट क्या था, 8,000 रुपए। इसमें हमने क्या जोड़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स। देख लो हमने क्या जोड़ दिया है, अप्रत्यक्ष कर, और उसमें से हमने क्या निकाल दिया है, उसमें से हमने सब्सिडी निकाल दी है। जिस समय हम बाजार मूल्यों पर यानी जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस काउंट करते हैं तो जीडीपी लागत मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर और उसमें से सब्सिडी निकाल देंगे। और गणितीय भाषा में अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करूं तो देख लो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, याद में रखना जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस, सही है, उसका मार्केट बाजार का मूल्य क्या है, उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो और सब्सिडी जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों के ऊपर सवाल जीडीपी में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। जीडीपी अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, फैक्टर कॉस्ट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मार्केट प्राइस तक हम कैसे आए ये आपको समझना है, उसके बाद स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, ये आपको समझना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संग्रह कौन करता है, संकलन कौन करता है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है वो करता है। और हम यहां पे बात कर रहे हैं जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप जीडीपी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको इसके अंक जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में।